वेलकम टू माय चैनल जुबैर फार्मेसी वाला। और आज की जो ट्रिक्स लाया हूं मैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को लर्न करना बहुत ही आसान है अगर आप इस ट्रिक को अपना लेते हैं तो आप उस ट्रिक को देखने के लिए पूरे वीडियो को देखिए, उसको समझिए और आपको कोई भी अलग से क्लासिफिकेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, ओके। तो इसमें तीन, हम आपको तीन लाइन हम बताने वाले हैं और तीन लाइन में कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगी, फिनिश एंड ओवर एंड डोंट ओपन। और आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अलग से इसकी क्लासिफिकेशन की बुक देखें या उसको पढ़ें। तो चलिए पहला जो हम आपको बता दे रहे हैं कि पहला जो ट्रिक है वो ये है कि पहला कोलीन कोलीन में कैम्बोडिया का अलका से मैप मांगा। कोलिन ने कैम्बोडिया का अलका से मैप मांगा। पहला जो ट्रिक है आपको इसमें आधी मेडिसिन हो गई। दूसरे जो ट्रिक है वो है कारबा ने रिया को प्यार प्यार ने निकम्मा कर देगा देगा जी है ये, और ये है गा देगा, ओके। उसके बाद तीसरा जो ट्रिक है आपका जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरी लाइन। और तीसरी लाइन अगर आपने देख लिया तो पूरे कोलिनर्जिक ड्रग्स खत्म, ओके। तो चलिए कार्बामेट्स ने कार परचेज परचेज किया और तबून सरीन सोमन सोमन माला को दो गुने दाम पर ठगा, ठीक है, THUGA ठगा, ओके। ये तीन जो लाइन है, ये तीन लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स को किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे और किस तरीके से इस तीन लाइन में वो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोलिनर्जिक ड्रग्स को दो मेजर क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। क्या बोलते हैं, यानी कोलिनर्जिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट का नाम है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, क्या है, एगोनिस्ट, राइट, एगोनिस्ट। और दूसरा जो इसका पार्ट है एंटी कोलीन स्ट्रेस, क्या है, दूसरा जो पार्ट है एंटी कोलीन स्ट्रेस, क्या है, स्ट्रेस, एंटी कोलीन स्ट्रेस। इट मीन्स कोलिनर्जिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटी कोलीन स्ट्रेस। एंड नाउ अगेन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कोलिन इस्टर, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है इसका वो क्या है, अब यहां से आप देखेंगे कि कोलिन इस्टर, पहला जो भाग है इसका कोलिन इस्टर एंड दूसरा जो पार्ट है अल्कलाइड, क्या है, अल्कलाइड अल्कलाइड, ओके। तो अब यहाँ पे आपको ड्रग्स के नाम लिखने हैं, कोलीन एस्टर्स एंड अल्कलाइड्स के ड्रग्स कौन कौन से हैं। तो ये पहली लाइन, कोलीन ने कैम्बोडिया का अलका से मैप मांगा
अब यहां पे आ जाइए कि इसको कैसे लिखेंगे, तो कोलिन इट मींस कोलिन एस्टर्स, आप देख सकते हैं कोलिन इट मींस कोलिन एस्टर हो गया, और कैम्बोडिया, कैम्बोडिया में सी, तो सी से आप पहले आप बनाएंगे कार्बाकोल, क्या बनाएंगे कार्बाकोल, क्या बनाएंगे कार्बाकोल, ठीक है, पहले ड्रग का नाम हो गया ए फॉर एसिटाइल कोलिन, क्या हो जाएगा ए फॉर एसिटाइल कोलिन, राइट। तो आपका ये दूसरी जो ड्रग हो गई ए फॉर एसिटाइल कोलिन, एंड एम फॉर मेथा कोलिन, क्या हो जाएगा एम फॉर मेथा कोलिन हो गया, और बी फॉर बेथनेकॉल हो गया, बेथनेकॉल, ठीक है, बेथनेकॉल, बेथ टी एच एन ई कॉल सी ओ एल, बेथनेकॉल, राइट। तो आप समझ गए कि कोलिन एस्टर्स में कार्बोकोल, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन एंड बेथनेकॉल देयर फोर ड्रग्स। अब इसमें निरर्थक शब्द कौन कौन से हैं, तो आप जितने हिंदी के वर्ड्स है वो आपके निरर्थक है, वो आपके लायक नहीं है, और यहाँ पे कैम्बोडिया जो है तो उड़िया को हटा देंगे, उड़िया को क्या करेंगे उड़ा देंगे, तो हो जाएगा कैम, ठीक है, तो उड़िया को हमने उड़ा दिया। अब हम लिखेंगे कोलिन ने कैम्बोडिया का अलका से मैप मांगा, तो अब कोलिन हो गया कोलिन स्ट्रेस, कैम से आपने कार्बाकोल, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन और मेथनेकोल देख लिया आपने, का को आपने निरर्थक शब्द मान लिया, अलका, अलका से अल्कलाइड, ठीक है, ये आपका है अलका से अल्कलाइड हो गया, ये आपका अलका से अल्कलाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कलाइड ग्रुप की जो ड्रग्स है वो आपको लिखनी है एमएपी मैप, ठीक है, तो मैप में सबसे पहले आता है मस्कैरिन, क्या है मस्कैरिन, ओके मस्कैरिन हो गया, ए से क्या हो जाएगा एरिकोलीन, और पी से क्या हो गया पीलोकार्पिन हो गया। अब आपके एक लाइन में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की जो सब डिवाइडेड कोलिन एस्टर और एल्कलॉइड के जो ड्रग्स है वो आपने कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हम चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ, और दूसरी लाइन में अब हम देखते हैं, तो अब इसको दूसरी लाइन के लिए हम यहाँ पे जगह खाली कर दें, ठीक है, अगर हाँ, अब ये हो गया आपका, हम चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कार्बा ने रिया को प्यार प्यार में निकम्मा कर दिया, तो अब आ जाइए कि एंटीकोलीन स्ट्रेस जो है वो हमने बताया कि दो भागों में वो भी डिवाइडेड है, जैसे कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमारा दो भागों में डिवाइडेड था, कोलिन एस्टर्स एंड एल्कलॉइड, इसी तरीके से एंटीकोलिन एस्टरेज आर आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो इसको हम लिख देते हैं कि एंटीकोलिन एस्टरेज are divided into reversible and irreversible। इतना याद रहेगा आपको कि दो भागों में डिवाइडेड है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब आपको आगे क्या करना है कि रिवर्सिबल इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कार्बामेट्स एंड सेकेंड इज नॉन कार्बामेट्स। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरी लाइन, अब यहां से अब हमें इसमें ड्रग्स के नाम लिखने हैं, यही तो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो अब आ जाइए, तो अब इसमें कार्बामेट्स, तो हमने बताया कि कार्बा ने रिया को प्यार प्यार में निकम्मा कर दिया, ठीक है, तो कार्बा यहाँ पे कार्बा क्या है, कार्बा से कार्बामेट यहाँ पे हो गया, में निरर्थक शब्द है रिया,
रिया से अब आपको बताना है कि रिया क्या है, तो रिवा स्टिग्मेन क्या है, रिवा स्टिग्मेन क्या है, रिवा स्टिग्मेन हो गया। को आप हटा दीजिए, निरर्थक शब्द है। प्यार, प्यार प्यार में, तो प्यार से आप क्या लिखेंगे, फाइसो स्टिग्मेन आप लिख दीजिए, फाइसो स्टिग्मेन हो गया। ठीक है, एक और प्यार है तो उसको पायरिडो स्टिग्मेन कर दीजिए। ठीक है, पायरिडो, PY, पायरिडो, पायरिडो स्टिग्मेन हो गया। दूसरी ड्रग हो गई पायरिडो, तीसरी ड्रग हो गई पायरिडो स्टिग्मेन, मैं को कर दीजिए खत्म। और उसके बाद आ जाइए कार्बन, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती कर दी ये कि ने को हमने हिंदी में लिखा था जो कि यहाँ पे होना चाहिए क्या, इंग्लिश में, तो इसको हम लिख लेंगे इंग्लिश में ताकि आपको क्लियर रहे कि कार्बन ने। ठीक है, और ने से करेंगे नियो स्टिग्मेन, क्या करेंगे, ने से नियो स्टिग्मेन, तो नियो स्टिग्मेन आपकी क्या हो गई, ये आपकी ड्रग्स हो गई। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि देयर आर फोर ड्रग्स है ना कार्बामेट्स में, तो क्या हो गया, कार्बा ने रिया को प्यार प्यार में निकम्मा कर दिया। अब निकम्मा से आ जाइए कि निकम्मा से हो जाएगा नॉन कार्बामेट्स, और नॉन कार्बामेट्स कर देगा तो देगा इट मींस अब यहाँ पे आपको लिखना है कर देगा, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए डी फॉर डोने पिल्स, क्या है, जोने, सॉरी डोने पेजिल्स, डोने पेजिल क्या हो जाएगा, डोने पेजिल। और ई फॉर एड्रोफोनियम क्या हो जाएगा, एड्रोफोनियम क्या हो जाएगा, एड्रोफोनियम। और जी फॉर ग्लेंटामाइन, के गैलेंटामाइन क्या हो जाएगा, गैलेंटामाइन, ये तीन हो गए। अब ये आपकी दूसरे जो क्लासिफिकेशन एंटी कोलीन स्ट्रेस के जो रिवर्सिबल के दो पार्ट कार्बामेट्स और नॉन कार्बामेट्स के जो ड्रग्स थे वो आपकी दूसरी लाइन में कंप्लीट कर दिया। अब आपको करना है तीसरी लाइन की तैयारी, और तीसरी लाइन की तैयारी हमारी ये इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल में भी आपको क्या करना है, तो अब आता है कार्बामेट्स ने, तो कार्बामेट्स यानी कि फिर से इरिवर्सिबल में क्या आएगा, कार्बामेट्स क्लास आएगा, और कार्बामेट्स क्लास को हम क्या लिखेंगे, कार्बामेट्स क्लास को कार्बामेट्स लिखेंगे, कार्बामेट्स, और तो कार्बामेट्स हमने लिख लिया क्लास, सबसे पहले क्लास उसके बाद उसकी दवा, तो कार्बामेट्स ने को कर दिया हमने कैंसिल, कार से कार्बा रेल क्या है, कार्बा रेल, तो ये आपकी ड्रग हो गई कार्बा रेल। ठीक है, ये आपकी ड्रग हो गई कार्बा रेल। उसके बाद परचेज, परचेज से आपको प्रोपोगजर, प्रोपोगजर क्या करना है, प्रोपोगजर, ये आपकी कार्बामेट्स की दो ड्रग हो गई, तो कार्बामेट्स ने कार परचेज किया, किया को कर दिया विदा। और से यहाँ पे आ गया ऑर्गेनोफॉस्फेट जो आपकी एक इरिवर्सिबल की दूसरे क्लास की ड्रग है, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट को हम थोड़ा लिखेंगे इस साइड में, इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, नहीं तो समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे एंटी कोलिन स्ट्रेस के जो इरिवर्सिबल ड्रग्स की जो क्लासिफाई सब डिवाइडेड है कार्बामेट्स एंड दूसरा है ऑर्गेनो फास्फेट, क्या है, ऑर्गेनो फास्फेट, राइट। अब ऑर्गेनो फास्फेट्स में कौन कौन सी ड्रग लिखनी है, ओ आर से तो हो गया, और से ऑर्गेनो फास्फेट। अब यहां से जितने आपको चीजें दिख रही है कि तबून, तो तबून आपका एक ड्रग हो गया, फिर आपको दिख रहा है सेरीन, तो सेरीन भी एक वर्ड हो गया, ड्रग हो गया, फिर आपका सोमन, तो सोमन भी एक वर्ड हो गया, माला, अब माला से आपको लिखना है मालाथियॉन, क्या लिखना है, माला थी ऑन, ठीक है, मालाथियॉन हो गया,
उसके बाद को कर दीजिए विदा, और दो गुने से आपको करना क्या है, दो गुने से करना है ड्रग डाइएजिनोन, क्या लिखेंगे डाइएजिनोन, क्या लिखेंगे डाइएजिनोन, डाइएजिनोन हो गया। और उसके बाद फिर दम पर, तो दम पर से आपको फिर से लिखना है डाइफ्लॉस, डाइफ्लॉस, क्या लिखेंगे डाइफ्लॉस हो गया डाइफ्लॉस। और ठगा, ठगा अब पर को कर दीजिए किनारे और ठगा को लिखिए थायोफेट, क्या लिखेंगे थायोफेट, थायोफेट। तो ये आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो क्लास की जो ड्रग है ये आपकी कंप्लीट हो गई। और इस तरीके से आपने तीन सिर्फ वर्ड में आपने पूरे कोलिनर्जिक क्लास की क्लासिफिकेशन की पूरे ड्रग्स आपने इसमें समझ लिया। तो आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की सॉरी कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को किस तरीके से लर्न करना होता है ये आपने समझा। अब आप इसको समझ लीजिए कि इस तरीके से आपको क्या करना है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के जो मैप है आप देख सकते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, इट मींस कोलिनर्जिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर टू ग्रुप्स, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटीकोलिन स्ट्रेस, एंड कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर आल्सो सब डिवाइडेड इनटू कोलिनिस्टर्स एंड अल्कलॉइड, एंड एंटीकोलिन स्ट्रेस आर सब डिवाइडेड इनटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, एंड अगेन रिवर्सिबल आर सब डिवाइडेड इनटू कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स, एंड इरिवर्सिबल अगेन आर डिवाइडेड इनटू कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, एंड इन दिस वे द वन क्लास इज कोलिनिस्टर्स, सेकेंड क्लास एल्कलाइड, एंड थर्ड इज कार्बामेट्स, फिर नॉन कार्बामेट्स, देन अगेन कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। एंड आपकी एक जो लाइन है हमारी वो आपकी ये दो क्लास की ड्रग को कंप्लीट करती है, फिर जो दूसरी लाइन है ये फिर दो क्लास की ड्रग को कंप्लीट करती है, और तीसरी जो लाइन है ये दो क्लास की ड्रग को कंप्लीट करती है। और इस तरीके से कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बिल्कुल आसान तरीके से आपको तीन लाइन में कंप्लीट हो जाती है, और वो भी आपको पूरे याददाश्त के साथ। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल को छोड़ करके ना जाएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्त यार को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इससे लाभ हो सके। थैंक यू सो मच, एंड अगेन हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में विद ज़ुबैर फार्मेसी वाला के साथ।